हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो में बात होने वाली है, जाहिर सी बात है, उसी घुसपैठ की औलाद, एड्स पेशेंट औरंगाबाद वाली, उसी के बारे में बात करेंगे हम। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाई, मेरा चैनल जो है वो खतरे में है और लोग जो है वो रिपोर्ट मार रहे हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि इसके जो चमचे हैं ना, ये जो घुसपैठ की औलाद है, इसके जो चमचे हैं वो आकर रिपोर्ट मार रहे हैं और मेरे पास प्रूफ भी है। तो अगर कल को मेरे चैनल को कुछ भी होता है या मेरा चैनल उड़ जाता है, बंद हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुटका क्वीन होगी। और उसके अलावा भी एक दो पर्सन और हैं जो कि हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम मैं अभी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी। लेकिन गुटका तो पक्का है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो भी गुटका के साथ ही मिले हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, उन लोगों के बारे में आने वाले वक्त पर, आने वाले टाइम पर बात होगी जब वो कुछ उंगली करेंगे। उससे पहले हम नहीं कुछ भी बात करने वाले। लेकिन हाँ, रही बात चैनल की, अगर मेरा चैनल गया तो फिर इसका भी जाएगा। ये तो ये पक्का कर ले अपना कि अगर मेरे चैनल को कुछ भी हुआ तो फिर तेरा चैनल भी नहीं बचने वाला। और दोनों चैनल की मैं तुझे गारंटी देती हूँ कि लिख ले कहीं पर, डायरी पर नोट कर ले कि अगर मेरे चैनल को कुछ हुआ तो फिर तू अपना सोच लेना, बस मैं इतना ही कहूंगी। और चलिए जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जहाँ आप लोग देख सकते हो कि रिपोर्ट मारी गई है चैनल पे। तो चलिए, अच्छा, आज की वीडियो में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आज की वीडियो में मेरा सवाल है उन तमाम मुसलमानों से, उन लोगों से जो इस की एड्स पेशेंट जो है गुटका क्वीन, इसका ब्लॉग देखते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, एक यूट्यूबर होता है, उसके हेटर्स भी होते हैं, उसके चाहने वाले भी होते हैं, उसके सपोर्टर्स भी होते हैं। तो जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसके चाहने वाले हैं, या फिर जो हेटर्स भी हैं, वो भी मुसलमान, ठीक है, हेटर मुसलमान भी, मेरा उन सब से ये सवाल है एक कि ये कहती है कि इसको जो है वो अल्लाह ने ऐसे ही अपनाया है, ठीक है। ये एक लाइन जो है ये बार बार यूज करती है कि भाई मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसे ही अपनाया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? अल्लाह ने इसको नहीं अपनाया, इसको अपनाया है इसके पति ने, जो इसका पोटी मास्टर है, उसने इसको अपनाया है। और रही बात अल्लाह के अपनाने की, तो अगर अल्लाह ने इसको टैटू के साथ अपनाया है, ठीक है, अगर अल्लाह ने इसको टैटू के साथ अपनाया है, तो फिर उन बातों का क्या जो ये कहती है ना कि ये सारे टैटू मेरे पहले के हैं, अगर मैं इस्लाम में आने के बाद टैटू करवाती तो वो हराम होता। यानी मतलब पहले ये इस्लाम में नहीं थी और ये टैटू करवा के आई थी, तो मतलब अब इस्लाम में इसको इजाजत है वो टैटू रखने की? ऐसा कहाँ पर लिखा है? और अगर ऐसा है, इसको अल्लाह ताला ने ऐसे ही अपनाया है, तो फिर उन बातों का क्या जो कुरान शरीफ में लिखी गई है, उन बातों का क्या जो आपकी कौम कहती है कि नहीं भाई टैटू नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर जिस भी इंसान के शरीर में टैटू होगा, उसका रोज़ा, नमाज, गुसल, वजू कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब बातों का क्या, और ये बातें कहाँ गई फिर, मुझे जानना है। आप लोग ज़रूर और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर इसको, अगर इस जैसी औरत को अल्लाह अपना सकते हैं टैटू के साथ, सिर्फ इसके पास ना एक ही सिंपैथी कार्ड है कि भाई मैं पहले हिंदू थी और मैं हिंदू से मुसलमान बनी, ठीक है। और तो इस, ये पता क्या सोचती है, ये सोचती है कि जब पैदाइशी जो मुसलमान है, अगर वो टैटू बना सकते हैं और वो टैटू के साथ रह सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती। अच्छा, पहले इसके पास बहाना था, पहले इसके पास ये बहाना था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। और जो भी इसको कभी कमेंट करता था या पर्सनली डीएम करके इसको कहता था कि भाई आप टैटू रिमूव कर दो, तो ये हर किसी को ये कहती थी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने कि मैं टैटू रिमूव कर सकूं। लेकिन इन दो तीन सालों में जब से ये यूट्यूब में आई है, इसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि ये टैटू रिमूव कर सकती है। लोग चाहे फिर वो इसने यूट्यूब से कमाया हो, चाहे फिर इसने वो लोगों से मांग कर खाया हो, मांग कर लिया हो, लेकिन इसने किया है। तो अगर
अब इसके हालात ऐसे हैं कि ये टैटू रिमूव करवा सकती है, तो अब ये क्यों नहीं करवा रही है? और ऊपर से ये भी कहती है भाई मेरी खालाएं, मेरी आपाएं, मेरी बहनें इतनी हैं, है ना, मेरा इतना सपोर्ट करती है, तो वो भी इसकी हेल्प कर सकती हैं। तो अब इसको क्यों नहीं बोला जाता है कि ये अपने टैटू रिमूव करवाए, ठीक है? और अगर इसको ऐसे, अब ये ना सिर्फ बहाना बना रही है कि भाई मेरे अल्लाह ने अब मेरे को ऐसे ही अपनाया, क्योंकि इसको वही है ना कि कोई इसको ये ना कह दे कि तुम टैटू रिमूव करवाओ, अब तो तुम्हारे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है ना, तो इसीलिए अब ये बहाना मार रही है ताकि कोई इसके ऊपर उंगली ना उठाए। और अगर इसको ऐसे ही अपनाया है ना, तो फिर सायरा सत्तानी को भी लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है ना? सायरा सत्तानी को या रेहाना बोस को या और जितने भी मोमडन लोग हैं जिन्होंने टैटू करवा रखा है, फिर उनको भी भाई अल्लाह ने ऐसे ही अपनाया है, तो फिर उन लोगों के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? सत्तानी के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं टैटू के लिए? ठीक, बाकी चीजों का मैं नहीं बोलती, बाकी चीजों में वो है, उंगलियां उठाने लायक है, वो करती है काम ऐसे, लेकिन टैटू की बात मैं यहां पर कर रही हूं, ठीक है? एक बात मेरी ये होगी, जरूर मुझे रिप्लाई जरूर करना भाई इन सब बातों का। और सेकंड एक और बात ये है, देखो जिसके अंदर ईमान नाम की चीज आ जाती है ना, ठीक है ना, जिसका ईमान पक्का हो जाता है, तो वो अपने ईमान को पक्का रखने के लिए हर हद तक जाता है। अगर ये सच में ही इस्लाम को कबूल करती और ईमान वाली होती, या फिर अल्लाह ने इसको हिदायत दी होती, अल्लाह ने अभी तक इसको हिदायत नहीं दी है भाई, अगर अल्लाह इसको हिदायत देते अभी तक, तो ये टैटू रिमूव करती और प्रॉपर जो इस्लाम की हर एक चीज होती है उसको जो है ये फॉलो करती। ये तो दुपट्टा तक नहीं लेती थी, एक सब्सक्राइबर है सबानाज, उसने इसको कहा था कि भाई बेटी तुम इस्लाम में आई हो, तुम दुपट्टा लिया करो, ऐसे वीडियो मत बनाया करो बिना दुपट्टे के। तब जाकर इसने एक डेढ़ साल से जो है वो दुपट्टा लेने का ढोंग जो है वो किया है वीडियो में, वो भी ये आप लोग देख सकते हो कि जब ये रिएक्शन देने लगती है ये तभी लेती है, उससे पहले जब ये घर के कामकाज कर रही होती है तब नहीं लेती। और अगर ये लेती भी है किसी उसकी वजह से कि वीडियो बनाते टाइम इसने लिया भी है, तो ये खासकर अपनी बाजू को छुपाने के लिए लेती है, जिस जो इसकी जली हुई बाजू है उसको ढकने के लिए ये लेती है, अदरवाइज ये नहीं लेती है, ठीक है? तो ये मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो प्लीज मुझे कमेंट करना, और अगर आप लोग सहमत हो मेरी इस बात से तो जाओ उसकी वीडियो में कमेंट किया करो, वहां पर जाकर जिस तरीके से आप सब लोग जो है वो सत्तानी को कमेंट करते हैं, जाकर इसकी वीडियो में भी कमेंट करो भाई जाकर कि हाँ अगर इस्लाम को अपनाया है तो प्रॉपर तरीके से इस्लामिक बनो, ठीक है ना? तो चलिए जी, आज की मेरी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।